गिनना हजारे। एक जन जागरण आज वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो महज एक जन लोकपाल के लिए नहीं कर रहे हैं, उनका अभियान तो एक जन जागरण है ऐसी व्यवस्था के खिलाफ जो निष्प्राण हो चुकी है। और उनका ये जन जागरण एक आंदोलन में परिवर्तित होता चला जा रहा है। हम देख रहे हैं कि पूरा देश उनके पीछे खड़ा हो गया है। हर व्यक्ति चाहता है कि देश के अंदर जो व्यवस्था हमारी खराब हो चुकी है उस व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हो। हमारे देश के अंदर महज भ्रष्टाचार ही एक सबसे बड़ी समस्या नहीं है, और भी बहुत सी समस्या है। देश के अंदर लोग गद्दारों वाला काम कर रहे हैं, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश के अंदर लूट खसूट हो रही है, सरेआम हो रही है, और हमारा कानून अंधा होकर उस पर कोई भी प्रभावी रिएक्शन नहीं करता है। हाँ, कुछ ड्रामे के लिए उन्होंने कुछ चंद लोगों को आजकल तिहाड़ जेल में बंद कर रखा है, लेकिन ये महज एक दिखावा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। कुछ दिनों में लोगों को जमानत मिल जाएगी, तब क्या होगा? तब वही ढाक के तीन पात राज हमारे बीच में, जो इस लोह पुरुष ने जो एक नया जन जागरण का अभियान छोड़ा है, ये काबिले तारीफ है। और हर भारतवासी का यह फर्ज है कि उनके इन जन जागरण में अन्ना हजारे का साथ दें। अन्ना हजारे एक इतिहास पुरुष बन चुके हैं। कितनी सादगी है उनमें, कितनी निर्मलता है, और कितने साफ साफ शब्दों में साफ गोई के साथ वो अपनी बात हमें बताते हैं और हमारे जहन में उतर जाती है। हम भी समझते हैं वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए मैं ये नहीं चाहता या मैं ये नहीं कहता कि वो सिर्फ जन लोकपाल के लिए काम कर रहे हैं, वो तो पूरी व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। और हर देश में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि हमने जो 60 साल या 67 साल पहले जो संविधान बनाया वो संपूर्ण सही है। वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीलियां होती रहनी चाहिए। वक्त के साथ साथ हमारी व्यवस्था के ऊपर भी हमें सोचना चाहिए और उसमें क्या क्या करना चाहिए। और ये व्यक्ति हमारे लिए उदाहरण बन चुका है कि उस व्यवस्था को हम सब ने मिलकर कैसे बदलना है। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर उस व्यवस्था को बदलने की चेष्टा करें। और हमें एक नायक मिल गया है, जन नायक अन्ना हजारे। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी रोम रोम में ईमानदारी छलक रही है। वो कुछ भी हमें गुमराह नहीं कर रहा, हमें कोई सफेद नाटक या कोई ऐसे सपने नहीं दिखा रहा जो झूठे साबित हो। वो तो सत्य की राह पे चलकर हम भी चाहते हैं कि हम भी उसके साथ कदम दल कदम ताल मिलाकर उसके साथ दें। कुछ लोग ये नारा देते हैं, अन्ना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मत कहो कि अन्ना तुम आगे बढ़ो, आप कहो कि हम अन्ना के साथ हैं, अन्ना के साथ साथ चलेंगे। हमें सबको अन्ना हजारे बनना है, हमें उनका व्यक्तित्व अपने जीवन शैली में ढालना है। अगर हम सब ने अन्ना हजारे बनने की 10% भी कोशिश की तो समझ लीजिए कि ये जन जागरण का अभियान जो आज अन्ना अपने हाथ में मशाल लिए खड़े हैं, हम उस मशाल को और प्रज्वलित करेंगे और अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए
एक नए भारत की रचना करेंगे, इसकी इस समय बहुत जरूरत है। देश में क्या आ रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमारे ही देश में नहीं हो रहा है, ये पूरे ग्लोब के अंदर हर जगह पे अलग अलग रूपों में हो रहा है। कहीं लोग क्रांति कर रहे हैं, कहीं लोग कुछ कर रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों में देखा इजिप्ट में क्या हुआ, अब लीबिया में क्या हो रहा है, और आसपास के मुल्कों में क्या क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है। तो ये एक समस्या हमारे भारत के लिए नहीं है, ये तो पूर्ण विश्व के लिए है, लेकिन हम इस मामले में बहुत लकी हैं कि हमें अन्ना हजारे जैसे एक आदर्श पुरुष का नेतृत्व मिला है। आइए हम सब मिलके ये कोशिश करें कि अन्ना के कदम के साथ कदम मिलाकर हर व्यक्ति को अन्ना हजारे बना दें, तभी ये जन जागरण एक अच्छी शक्ल लेगा। और सिर्फ हमारे समाज में ही नहीं, हमारे देश में नहीं, दूसरे देश के लोगों को भी समझ में आएगी कि अनशन का क्या महत्व होता है, उससे कैसे जन जागरण होता है, कैसे बिना किसी हिंसा के हम अपने मिशन को प्राप्ति कर लेते हैं। ये संदेश पूरे विश्व को जाना चाहिए, परिवर्तन हिंसा से नहीं होता, परिवर्तन हमेशा अहिंसा से होता है, और इस अहिंसा का एक सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने खड़ा है, वो है अन्ना हजारे। तो दोस्तों, मित्रों, मेरे देश के वासियों, हम सबको ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि इस जन जागरण के अभियान को हम निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।